हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक शर्ट की कटिंग की थी, उसके आज हम बाजू आपको बताएंगे कि कटिंग कैसे करते हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। असल ये जो डिज़ाइन के हिसाब से जो है, ये बाजू जो है, ये चारों पीस पहले अलग किए जाएंगे और फिर इनकी कटिंग की जाएगी। ये हमारा एक पीस, ये दो। अगर आप इसको आपस में जुड़ा रहने देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो शर्ट के साथ बाजू लगे हुए थे, उसके बॉर्डर के हिसाब से थोड़ा मसला था। इसी तरह जैसे शर्ट की जो फ्रंट साइड है वो अंदर और बैक साइड ऊपर, इसी तरह इसके भी फ्रंट साइड जो है अंदर और बैक साइड जो है वो ऊपर। चारों कोनों को आपस में अच्छे से मिलाना है। बॉर्डर जो है ये बाजू हाथ वाली साइड पर आएगा और यहाँ से हम इसका कंधा निकालेंगे। अच्छी बात तो ये है कि आप पहले इन चारों को आपस में सिलाई लगा लें। अगर अभी टाइम नहीं है तो फिर आप जब आप कटिंग करना स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे फिर लगा लीजिएगा। सबसे पहले हम बाजुओं की मेजरमेंट करेंगे, जो आपकी शर्ट के बाजू हैं उसके लिहाज से, और इस साइड पे भी इस तरह ही निशान लगा लें। उसके बाद आप जो है वो यहाँ से 4 इंच का 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह करते हुए इसके एंड तक ले जाएंगे। कटिंग है वो हमने बिल्कुल, जो लोग अभी सीख रहे हैं या अनट्रेन हैं उनके लिए लगाई है, बिल्कुल सिंपल कटिंग की है ताकि आपको समझ आ सके। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो है वो आधा इंच आपकी सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे और फिर बाकी आपने जितने आपकी शर्ट के लिए बाजू हैं 5 इंच 6 इंच जितना आपको चाहिए वो आप यहाँ से, 7 इंच जितनी आपकी शर्ट के लिए चाहे आप वो वहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से लेकर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर से ऐसे टेढ़ा करके रखेंगे तो आपके बाजू की शेप खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन रखकर आप इसकी कटिंग कर लें। ये आपके बाजू जो हैं वो इधर से यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और ऐसे करके सिलाई लगाएंगे तो आपके बाजू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। एक बात कि यहाँ से आपने, अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपके बाजू जो हैं वो यहाँ से कितने हैं, तो जितना आपना आपने एक शर्ट का कंधा रखा है, हमने उस शर्ट का कंधा 8.5 इंच रखा था तो उसे 1 इंच हमने बढ़ा कर 9.5 इंच जो है वो इसका इसकी यहाँ से चौड़ाई रखी है बाजू की। आज की कटिंग कंप्लीट हुई, नई वीडियो के साथ आएंगे। लाइक एंड शेयर करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें रिस्पॉन्स बताएँ अपने कमेंट के ज़रिए, लाइक के ज़रिए और सब्सक्राइब के ज़रिए।